बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज फाइबर की आईडी बनाएंगे हम न्यू। फाइबर डॉट कॉम मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पे अभी हम जॉइन के बटन पर क्लिक करेंगे। इधर हमें अपना जीमेल आईडी देना है जिसके अगेंस्ट हम लोग ये अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी अपना जीमेल का अकाउंट, तो आप एक कंटिन्यू भी गूगल भी कर सकते हैं अगर उस अकाउंट पे पहले से आपका फाइबर का अकाउंट नहीं बना हुआ। तो वैसे बेहतर ये है कि आप यहाँ पर खुद ईमेल एड्रेस लिख लें अपना। तो मैंने अभी न्यू एक ईमेल क्रिएट की है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। आवाज स्लो है। अब ठीक है, अब ये क्रिएटिव स्टूडियो यूज़र नेम मैंने ईमेल एड्रेस पे लिखा है, और इस पर भी क्रिएटिव स्टूडियो लिखा है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। इसके साथ कोई डिजिट ऐड कर लेते हैं जो कि ईमेल आईडी पे है, यही मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। क्रिएटिव स्टूडियो ये पूरा यूजर नेम ना कहीं भी अवेलेबल नहीं है किसी भी डिजिट के साथ। ये लिख देते हैं सी स्टूडियो। चलो बस ये ठीक है। ये 963 जीमेल में है तो मैंने इस वजह से यहाँ पर लिख दिया है। पासवर्ड और ज्वाइन अच्छा जी, अभी जीमेल पे वेरिफिकेशन ईमेल आएगी अभी, तो हम उसे वेरीफाई कर लेंगे अकाउंट को। ये देखें, ये ईमेल आ गई अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। तो ये एक्टिवेट अकाउंट, चले ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन वगैरह हम ये देखें वैसे भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमने लिखी हुई थी तो इसलिए मैं सेम कॉपी कर लूँगा। चलिए प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करना है हमने प्रोफाइल पे, और लॉग आउट हो गई है। कंटिन्यू विद जीमेल किया है, वो जो जीमेल हमारा यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है मैंने उसी से देखा, ऑटोमेटिकली वो हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया जो भी हमने न्यू यूजर नेम के साथ बनाया है। योर अकाउंट हैज़ बीन एसोसिएटेड टू योर जीमेल अकाउंट, मतलब हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया सक्सेसफुल।
ये हमारी आईडी का नेम आ गया। अब फिर वही बात आ गई, यहाँ पे पहले प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे एक टैग लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम फ्रीलांसर, और इधर हम कोई इंडस्ट्री लिखेंगे, चलें ये कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग। उसके बाद यहाँ पे टैग लाइन लिखनी है, वो दूसरी वाली प्रोफाइल पे हमने जो टैग लाइन लिखी थी मैं वही वाली लिख लेता हूँ यहाँ पे भी। उसके बाद सर्च कर लेते हैं इधर, वो स्लैश क्रिएशन यही था ना, ये आ गया। चले यही वाला मैं यहाँ से टैगलाइन कॉपी कर लेता हूँ, बाद में मैंने एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इधर पेस्ट कर देते हैं अपडेट। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इधर पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ से उठा के सेम मैंने इसलिए कॉपी करके पेस्ट कर दिया क्योंकि ये वाली भी हमने ही बनाई थी आईडी, और डिस्क्रिप्शन भी ये हमने ही लिखी थी सारी की सारी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कॉपी कर दिया सेम टू सेम। आप लोग इस तरह कभी भी नहीं करेंगे, किसी की भी प्रोफाइल से इस तरह डिस्क्रिप्शन या कोई भी डेटा उठा के आप सेम टू सेम कॉपी नहीं करोगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको, ठीक है। लैंग्वेजेज ऐड कर देते हैं, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ इंग्लिश को, हमें इसको करना है कन्वर्सेशन फ्लुएंट कर देते हैं अपडेट। दूसरी लैंग्वेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जर्मन कन्वर्सेशनल कर देते हैं, और एक और ऐड कर देते हैं फ्रेंच, ये भी कन्वर्सेशन। इनका लैंग्वेजेस का मैंने आपको बताया था कि ये जितनी ज़्यादा लैंग्वेज, मतलब तीन लैंग्वेजेस हमने इंग्लिश के अलावा दो और लैंग्वेजेस ऐड कर दिए हैं, उनका फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर जर्मन में या फ्रेंच में भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट हुआ होगा ना, तो वो हमें शो हो जाएगा। अब फिर उसकी समझ हमें किस तरह से आएगी, क्योंकि हमें तो जर्मन बिल्कुल नहीं बोलने आती और ना ही हमें फ्रेंच आती है, तो उसके लिए हम लोग गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो भी होगा उसे कॉपी करें और गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट कर दें, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जी इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद अकाउंट्स लिंक करने हैं, ये अब मेरी इस आईडी पे तो कोई अकाउंट्स नहीं है, तो इस वजह से मैं इसमें कोई अकाउंट मतलब लिंक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के फेसबुक अकाउंट भी होगा, गूगल भी, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होंगी, तो आप लोगों ने ये सारे के सारे अकाउंट्स इसके साथ लाजमी, जो जो मतलब आपके पास हैं, जरूरी नहीं है कि सारे आपके पास हों, जो आपके पास है उनको आपने लिंक लाजमी कर लेना अपनी प्रोफाइल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्किल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर मैक्सिमम स्किल्स ऐड करनी है, लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मेन जो हमारी कैटेगरीज हैं, फोटोशॉप है, एक्सपीरियंस लेवल हम यहाँ पे एक्सपर्ट लिखेंगे, ऐड कर देते हैं। उसके बाद फोटो एडिटिंग आ गया, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट ऐड, ग्राफिक डिज़ाइन एक्सपर्ट ऐड। इस तरह आप लोगों ने काफ़ी सारे मतलब फील्ड से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी। इधर हम लोग मेरा ख्याल है 10 से 15 ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, तो बाकी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हमें इसका ऑप्शन आ जाता है जब हम गिग क्रिएट करते हैं, ठीक है। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा हम एक गिग भी बनाएंगे अपनी, क्योंकि पोस्टर डिज़ाइन हम लोग तीन बना चुके हैं, तो कोशिश करते हैं कि आज पोस्टर डिज़ाइनिंग की गिग हम बना लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये फ्लायर डिज़ाइन भी लिख देते हैं, वो भी ऐड करेंगे, लोगो डिज़ाइन ऐड, फोटोशॉप, और इलस्ट्रेटर हो गया, यहाँ पर मजीद ऐड कर लेते हैं। ये स्किल्स आप लोग सारी सेम लिख सकते हो, मतलब सारे बच्चे अपनी
ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की स्किल्स जो है वो सबकी सेम ही होंगी, तो आप लोग ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ यही वाली बेशक सेम आप कॉपी कर सकते हैं, स्किल्स का कोई इशू नहीं है। और मैक्सिमम लिखनी है यहाँ पे, आप लोग मैक्सिमम ऐड कर सकते हो 50+ स्किल्स आप लोग यहाँ पे लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, इनविटेशन, इनविटेशन कार्ड ये आ गया, ठीक है, इसको भी ऐड कर देते हैं। और साथ ही बैकग्राउंड रिमूवल भी ऐड कर देते हैं। रीटच, फोटो रीटचिंग, स्किन रिटचिंग, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, कलर चेंज, कलर चेंज ही आ गया नीचे, अच्छा। अब ये क्योंकि हमारे पास सर्च में नहीं थी तो ये सजेशंस में चली गई है, इसको वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब देखिए मज़ीद यहाँ पे मेरे पास स्किल ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो 15 मतलब हमने ऐड कर लिए यहाँ पे, मैक्सिमम 15 ऐड कर सकते हैं अभी के लिए। जब हम यहाँ से क्रिएट अ गिग पे जाएंगे तब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा मज़ीद स्किल्स ऐड करने का, और तभी एक ही बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पहले आपने यहाँ 15 स्किल्स अपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, उसके बाद जब आप क्रिएट गिग पे जाएंगे तो उधर आपको और ऑप्शंस आ जाएंगे अपनी स्किल्स ऐड करने के, तो मज़ीद आप स्किल्स यहाँ पे ऐड करोगे, मिनिमम आपने 50 स्किल्स लाजमी ऐड करनी है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन ऐड करते हैं हम यहाँ पे, मैं पहले कंट्री नेम लिखना है हमने पाकिस्तान, और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मुल्तान, टाइटल MBA, मार्केटिंग, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऐड कर देंगे किसी भी इदारे की, मैं यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइन एक्सपर्ट, ये कोर्स का नेम है आपका, जो भी आपने सर्टिफिकेशन ली है उसका नेम आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, इधर जहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिया है उस इदारे का नाम मैं यहाँ पे टैप्टा लिख रहा हूँ फिलहाल, बाद में इसको एडिट कर सकते हो आप लोग अपनी मर्ज़ी से, जहाँ से आपकी सर्टिफिकेशन होगी, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप टैप्टा यहाँ पे लिख सकते हैं और अपने कोर्स का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपने कोशिश करनी है कि पहले से लिखना है, मतलब अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन में कहीं लिख रहे हो कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 2 साल पहले का यहाँ पे ईयर ऑफ मतलब कंप्लीशन लिखेंगे, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि हाँ यार इसने अगर 2019 में कंप्लीट किया था तो आज 2021 है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसका हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं 2019 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलें जी, ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने सेटअप कर ली हैं, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से ना यहाँ पे कुछ प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लेता हूँ, एक कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं छोटा सा, एक 1000 बाय 1000 फोटोशॉप की स्क्रीन शो हो रही है आप? क्रिएटिव और साथ में लिखना है स्टूडियो, मेरी फोटोशॉप की स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को?
ठीक है चले। मैं एक छोटा सा लोगो बनाना चाह रहा हूँ इसके लिए जल्दी से, ताकि हम ऐसे प्रोफाइल पिक्चर्स को यूज़ कर लें, बाद में इसको भी हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल हम क्रिएटिव सा कर लेते हैं, लाइक फैंसी टाइप कुछ। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं। तो वही सेम ही है। ये कुछ ठीक लग रहा है, ये सही है। थोड़ा सा इसका साइज मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। स्टूडियो का भी थोड़ा सा साइज बढ़ा कर लेना। दोनों को थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। बस यार यहीं तक ठीक है, इसको बाद में अच्छा सा करके थोड़ा सा जब लोगों पे जाएंगे ना, तब कुछ अच्छा सा लोगो डिज़ाइन कर लेंगे इस पर, क्रिएटिव स्टूडियो का। ठीक है, अभी के लिए जस्ट इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, और इसकी थोड़ी सी कलर स्कीमिंग कर लेते हैं। कुछ कलर इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं, मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये इसके साथ ये वाला ग्रे, बस यहाँ रखते हैं इसको, और इसे मैं सेव करवा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस, लिख लेते हैं इस पर क्रिएटिव स्टूडियो लोगो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस। आई थिंक फाइल साइज बड़ा होगा प्रोफाइल पिक्चर के लिए, तो इसको छोटा भी करना पड़ेगा हमें। हम जल्दी से चेक करते हैं कि फाइवर पे प्रोफाइल पिक्चर का साइज, टू फिफ्टी बाई टू फिफ्टी। चले इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और जो जेपैक हमने सेव किया वो वाली ओपन कर लेते हैं, उसको फिर 250x250 में कन्वर्ट करेंगे। क्रॉप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 250x250। ठीक है जी, ये हमने रेशो दे दी यहाँ पे, इसको मैं ओके कर देता हूँ, लेकिन ये कन्वर्ट तो नहीं हुई। अब इसको सेव कर लेते हैं, उसको मैं लिख लेता हूँ 250x250। लगा लेते हैं आप प्रोफाइल पिक्चर, ये आ गई। ये देखिए ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर आ गई। वैसे थोड़ा सा बाउंड्री सी होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा इसको सेट करता हूँ। तो एक न्यू लेयर ले लेते हैं, और यहाँ पे एक सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से।
और इसमें कलर कोई भी फिल कर देते हैं, वो बाद में ख़त्म कर देंगे। ये कलर मैंने इसमें फिल कर दिया और इसका फिल बिल्कुल ज़ीरो, और इस पर हम एक स्ट्रोक लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से कलर इसका भी हम यही बड़ा कर देते हैं, ब्लैक। हाँ ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे स्ट्रोक को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अभी हम इसको सेव करवाते हैं दोबारा। इसको मैंने नेम इसका चेंज कर दिया ताकि दोनों अलग अलग रहे, ये आर लिख दिया था इसके साथ। अब देखिए अब ठीक आ गया, अब साथ इसके बाउंड्री आ गई ना, अब वो सही नज़र आ रहा है। चले जी, अच्छा ये बेसिक सेटअप हो गया। अब हम आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ थोड़ा सा पहले आपको थोड़ी सी गाइड वो देते हैं कि किस तरह से आप गिग बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। ये देखें अब कुछ मज़ीद थोड़ी सी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ, मैं फिलहाल अपना ही नेम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखें अब यहाँ पे हम मज़ीद लैंग्वेज आ गई और डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये चार इसके स्टेप्स हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दी है, और कंटिन्यू करते हैं। इधर हमने लिखना है हमारा जो भी ऑक्यूपेशन है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन लिख रहे हैं जो हमारी कैटेगरी है। एक्सपीरियंस हमने लिखा था 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2018 to 2021, ठीक है। उसके बाद चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन ग्राफिक डिज़ाइन, मतलब जो ज़्यादा अच्छा काम हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं उससे रिलेटेड हमें 5 कैटेगरीज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड एंड इन्वायरमेंट्स कर लेते हैं, ये आप लोग अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कर सकते हो। कुछ लोगों का इलस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इलस्ट्रेशन जैसे उस दिन अवैस ने एक डिज़ाइन हमें बना के दिया था, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। ये इंशाल्लाह क्लास भी रखेंगे इसके ऊपर, हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके और किस तरह से हम उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड एंड इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद फ्लायर डिज़ाइन हो गया, लोगो डिज़ाइन, वेक्टर ट्रेसिंग। ये वेक्टर ट्रेसिंग जो हमने उस दिन एक वो मिकी माउस को ट्रेस किया था, उसके बाद फोटोशॉप एडिटिंग 4 हो गए, टी शर्ट डिज़ाइन भी अच्छा होता है, इन डिमांड है काफ़ी, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, ठीक है। चले जी ये हो गई सारी। चलो अब देखिए अब यहाँ पे स्किल्स ऐड करने का ऑप्शन दोबारा से मैं आ गया। मैंने आपको बताया था जैसे हम लोग क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो तब हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे स्किल्स को ऐड करने के, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पे हम मज़ीद स्किल्स ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया था आप लोग 50+ स्किल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे ऐड करता जाता हूँ, ठीक है। और एक्सपर्ट लेवल ऐड, इसी तरह मज़ीद मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूँ, फोटो एडिटिंग तो हो गया यार, फोटोशॉप है। असल में ये सारे ना कीवर्ड्स होते हैं, और कीवर्ड्स का भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि
इस चीज़ पे बिल्कुल भी आप लोगों ने बड़े हौसले से काम करना है, जल्दी नहीं करनी है यहाँ पे। स्किल्स मैक्सिमम ऐड लाजमी करेंगे आप लोग, इनका मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। ठीक है, रिपीट होती रहेंगी, कोई मसला नहीं है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन हमने पहले भी ऐड कर दिया, यहाँ पे दोबारा से भी ऐड हो गई है, तो उसके लिए आप लोगों ने बेफिक्र हो जाना, रिपीट होती है तो होती नहीं। लेकिन फील्ड से रिलेटेड आपने मैक्सिमम यहाँ पे स्किल्स ऐड करने हैं। पहले मैं फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से जो जो चीज़ें होती हैं उनको लिख लेता हूँ। फोटोशॉप एडिटिंग लिख दिया, फ़ोटो एडिटिंग लिख दिया हमने, फोटो मैनिपुलेशन लिख देते हैं, एक्सपर्ट लेवल ऐड, इसी तरह फोटो नहीं कलर एडजस्टमेंट्स लिख देते हैं, एक्सपर्ट ऐड। ठीक है, इसके अलावा इस तरह कैटेगरी वाइज चलेंगे ना, याद आती रहेंगे हमें जो जो यहाँ पे स्किल्स हो सकते हैं। जैसे फोटो हो गया, फोटो एडिटिंग के हवाले से पहले हम लोग चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो उसमें बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये भी एक कीवर्ड है, ये अगर देखा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ये मैं ऐड कर देता हूँ, इसको भी एक्सपर्ट क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। देखें एक चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ, आप लग रहा होगा कि यहाँ पे प्रोफाइल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो देखिए अगर आपको इस प्रोफाइल को अच्छे से सेटअप करने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं ना, तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर आपने इसको हमेशा के लिए यूज़ करना है, और इसमें आपको बिजनेस देना है इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अर्निंग इसमें आपको देनी है। एक तरह की आप अपनी शॉप बना रहे हैं, अपना शोरूम टाइप चीज़ जो है वो अपनी बना रहे हैं, जिससे आप लोगों ने काम करना है। तो फिज़िकली भी जब हम कोई शॉप वगैरह बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यार उसको बड़ा अच्छा सा करके हम लोग बनाएं, ताकि देखने वाला उसे अट्रैक्टिव हो और हम जल्दी से जल्दी क्लाइंट्स जो है वो गेन कर सकें, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो भाई इस पे अगर आपका टाइम लग रहा है, 1 दिन 2 दिन लग रहे हैं, तो लगाने हैं आपने, बेफिक्र होकर लगाने और तसल्ली से इसको बनाना है, बड़ा अच्छा करके बनाना है, जान नहीं छुड़वानी। ठीक है, मैंने आप लोगों से अभी आज ये प्रोफाइल इंशाल्लाह मैं पहले किक बना लूँगा, तो आप लोगों को भी कल से आप लोग अपनी भी फाइवर पे जो साइन अप स्टार्ट कर दें, और अपनी इसी तरह प्रोफाइल सेटअप आप लोग शुरू कर देंगे, गिग भी इंशाल्लाह आप लोग बना लेंगे, क्योंकि पोस्टर डिज़ाइन के असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को दे दी है, तो आज मैं भी कोशिश करूंगा कि हम पोस्टर डिज़ाइन की ही गिग बना लेते हैं पहली। तो यार इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा तसल्ली से करना है, कोई जल्दी नहीं करनी इसमें, क्योंकि इसी प्रोफाइल से ही आपको आगे इन फ्यूचर बिजनेस मिलने वाला है। तो सिंसियर होकर खुद के साथ बड़ी अच्छी सी प्रोफाइल आप लोग बनाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी के 100% दें अपना, और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन करें अपनी प्रोफाइल को। बाद में जब मैं चेक करूंगा, हो सकता है उसमें कुछ रिकमेंडेशन हो जो मेरे मुताबिक वो आप लोगों उसमें मज़ीद बेहतर हो सकता होगा, तो वही इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को इंडिविजुअली हर बंदे के गिग्स को और उसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन वगैरह को चेक करेंगे, और उसमें जो जो चेंजेस हो सकते होंगे तो वो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा आप लोगों को कि भाई इस तरह से इसमें ये चेंज कर लें। लेकिन तसल्ली से बनाना और बहुत अच्छा करके बनाना है इसको, इसीलिए देखिए स्किल्स ऐड करने में हमारा 10 मिनट हो गए, मतलब ये थोड़ी सी अभी तक सेटिंग में भी बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट हमारा अगर मैं कहूँ प्रोफाइल का अभी तक 20% हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तसल्ली से करने वाली हैं, इनमें जल्दी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। मज़ीद स्किल ऐड करते हैं यहाँ पे, फोटो एडिटिंग हो गया, बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, कलर चेंज, फोटो मैनिपुलेशन। आप लोग भी यार कुछ सजेस्ट कर सकते हो फोटो एडिटिंग के हवाले से, उसके बाद हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन पे जाएंगे, मतलब बैनर और ये वो सारा। फोटो कलर, हाँ कलर करेक्शंस कर लेते हैं पहले वैसे हमने कलर एडजस्टमेंट्स ऐड किया था, ये हो गया, उसके बाद न्यू ऐड करते हैं कलर, फोटो कलराइजेशन, हाँ ये भी ठीक है, मतलब ब्लैक एंड वाइट से इसको कलर करना। यार ये भी मैं आप लोगों को सिखाना है, ब्लैक एंड वाइट से कलर किस तरह कर सकते हैं फोटो को, तो वो आप लोगों ने मुझे रिमाइंड करवाना है कल की क्लास में, स्टार्ट में इंशाल्लाह हम लोग ये काम कर लेंगे, फिर इसकी भी एक हम गिग बना लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक काम है, ज़्यादा लोग नहीं कर रहे होते, इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसका हमें फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो मज़ीद ग्राफिक्स डिज़ाइन और यहाँ पे और क्या आ रहा है, लोगो डिज़ाइन,
बिजनेस कार्ड डिज़ाइन,